अस्सलामु अलैकुम प्यारे व्यूवर्स, वेलकम टू सुमी सिल्वर्स। हम बारबेक्यू पार्टी होस्ट करें और तंदूरी चिकन ना बनाएं, ये पॉसिबल ही नहीं है। दिस इज अ क्लासिक रेसिपी एंड आई एम श्योर आप सभी को इसका कोई ना कोई वर्जन तो आता ही होगा। दिस रेसिपी डजंट नीड एन इंट्रोडक्शन, राइट? फिर भी तंदूरी चिकन इस बेसिकली स्पाइसी मैरिनेड में, जब हम चिकन को मैरिनेट करते हैं एंड देन तंदूर में पकाया जाता है, सो इट्स अ वेरी ढाबा स्टाइल रेसिपी और इट्स अ मस्ट। हर बारबेक्यू रेसिपी या बारबेक्यू पार्टी में आप जब जाते हैं, ये तो ज़रूर वहाँ पे आपको मिलता है। सो चले सुमी सिल्वर स्पून वर्जन ऑफ तंदूरी चिकन की रेसिपी आज देख लेते हैं। इस रेसिपी के लिए चिकन 200 ग्राम मैंने लिया है। इस 200 ग्राम चिकन को ऐसे चार पीसेस में कट कर लें और ऐसे नाइफ के मदद से स्लिट्स या कट लगा लें। अगर क्लीन करते वक्त चिकन में थोड़ा फैट रह जाए तो उसे रहने दें, बारबेक्यू में ऐसे थोड़े फैट्स अच्छा लगता है टेस्ट में। तंदूरी चिकन के मैरिनेशन के लिए हम यूज़ करेंगे हंकड़। हंकड़ 2 टेबलस्पून, जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टीस्पून और हल्दी आधा टीस्पून। उसके साथ जीरा पाउडर आधा टीस्पून ले लें, नमक तो हसबे ज़रूरत डालें। कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर यूज़ करेंगे हम, वो कलर में अच्छा रहेगा ज़्यादा। यू नो दैट ब्राइट तंदूरी चिकन का कलर वो कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर से ही आता है। सो आप अगर ज़्यादा तीखा खाना पसंद करेंगे तो आप ज़्यादा डाल लें, मैंने सिर्फ 2 टीस्पून यूज़ किया है। सभी इंग्रेडिएंट्स को थरली हाथों से मिक्स करें। अच्छा देखिए, मैंने 2 टीस्पून मिर्च का पाउडर यूज़ किया है। आप अपनी चिल्ली टॉलरेंस के हिसाब से डाल सकते हैं। आप कश्मीरी चिल्ली पाउडर का फ्लेवर नहीं पसंद करते तो आप नॉर्मल सा कोई भी मिर्च का पाउडर यूज कर सकते हैं। चिकन में फ्लेवर्स आपके रब करने के इंटेंसिटी के हिसाब से ही इनकॉर्पोरेट होंगे, तो मेक श्योर आप हर एक पीस को, हर एक टुकड़े को अच्छे से रब करें टिल द मैरिनेशन गेट्स अब्सॉर्ब्ड। अब इसमें हाफ नींबू का रस निचोड़ दें, गरम मसाला 1/2 टीस्पून डालें स्पाइस के लिए और ऑयल 5 to 6 ड्रॉप्स डालें और मिनिमम 1 घंटे के लिए रेस्ट होने दें। एक घंटे के बाद, आफ्टर 1 आवर, एक और बार अच्छे से मिक्स करें। गरम ग्रीस्ड बारबेक्यू झाले में कुक होने के लिए रख दें। मैं ये पॉइंट हमेशा बार बार मेंशन करती हूँ कि आप चाहे नॉर्मल बारबेक्यू में कुक करें, आउटडोर कुक करें या इंडोर कुक करें, आपको अपना झाला ग्रीस करना ही होगा, वरना वो चिपक जाएगा। ऑब्वियसली आप पलट नहीं पाएंगे, आपका पीस टूट जाएगा एंड प्रेजेंटेशन में वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। सो मेक श्योर आप अपना झाला ग्रीस करें। क्योंकि चिकन अच्छे से मैरिनेटेड है और मैरिनेशन में हमने हंकड़ का इस्तेमाल किया है, चिकन बहुत ही जल्द टेंडर होके कुक हो जाएंगे। स्वाद तो बढ़िया होता ही है बारबी का, बट इवन टाइम इफेक्टिव है। तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी तंदूरी चिकन बनाना चाहें तो बेफिक्र ये फुल प्रूफ रेसिपी ट्राई करें। अच्छा, अगर प्याले में या बाउल में आपका मैरिनेट बच जाए तो भी आप इसके ऊपर ब्रश कर सकते हैं, जैसे मैंने ब्रश किया था या पोर किया था। बट आप उसको बीच बीच में बेस्टिंग करना ना भूलें, बिकॉज यू नो चिकन ड्राई आउट हो जाता है। एंड कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक उसे चिकन को मैरिनेट होने दें, अदरवाइज आपके फ्लेवर्स अब्सॉर्ब नहीं होंगे। एंड बारबेक्यू में की पॉइंट इज यू हैव टू मैरिनेट इट फॉर अ लॉन्ग टाइम।
अब हल्के हाथ से केयरफुली चिकन को टर्न करें जब वो एक साइड पे कुक हो जाएंगे. मैक्सिमम इट विल टेक अबाउट 3 to 4 मिनट्स ऑन द ग्रिल. देखिए कितना प्यारा कलर आया है. बारबेक्यू चिकन का अपना ही खुशबू और प्रेजेंटेशन है ना? मेरे घर वाले तो बहुत खुश हैं विद द वे दिस तंदूरी चिकन टर्नड आउट. कोई भी लेजी इवनिंग में पहले से प्री मैरिनेटेड मीट को उठाएं, थोड़े देर बाहर रखें, फिर बारबेक्यू करें और गरम नान या चावल के साथ थोड़े क्रंची सैलेड रेडी कर लें और बस आपका दिन सेट हो जाएगा. इसी नोट पे गर्मा गर्म फ्रेश फ्रॉम द बारबी तंदूरी चिकन को सर्व कर लेते हैं. आप सभी को ये रेसिपी जरूर ट्राई करना है और आपका बारबेक्यू पिकनिक या बारबेक्यू इवनिंग या बारबेक्यू पार्टी कैसा गया मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करें या फिर इंस्टाग्राम पर भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिप्लाई.